Hello everybody, and we will start an example that will demonstrate how we define the dimension, how we define the spanning, and how to find the basis. So यहाँ पे हमारे पास जो question है वो बड़ा interesting question है. ये question मैंने उठाया है basis and dimension MIT में एक recitation हो रही है और ये YouTube में available है. So I will go over this with you. तो अगर आपको जहन में कोई भी question है तो you can raise your hand and then I will unmute you and you can ask question. ठीक है? Okay. So the question is find the dimension of the vector space spanned by the vectors. और ये हमारे पास चार vectors हैं. पहला vectors है 1, 1, -2, 0, -1. इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 5 कंपोनेंट्स हैं और ये एक वेक्टर है. ये एक वेक्टर है जो कि कहाँ है? जो R^5 की स्पेस में रहता है, वहां पे पड़ा हुआ है. लेकिन ये खुद क्या है? 1 है, एक वेक्टर है. ये सारे उसके 5 कंपोनेंट हैं. तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर कहाँ पड़ा हुआ है? R^5 की स्पेस में. दूसरा देखें, दूसरा वेक्टर है 1, 2, 0, -4, 1. सो ये भी 5 कंपोनेंट का एक वेक्टर है और ये वेक्टर भी R^5 स्पेस में पड़ा हुआ है, जिसमें पहले वाला वेक्टर पड़ा हुआ है और ये सेकंड वेक्टर है हमारा. सिमिलरली वी हैव ए थर्ड वेक्टर, उसके भी 5 कंपोनेंट हैं और वो भी कहां पड़ा हुआ है? R^5 की स्पेस में पड़ा हुआ है. और फोर्थ वेक्टर है, इसके भी 5 कंपोनेंट हैं और ये भी R^5 की स्पेस में पड़ा हुआ है. इसका मतलब है ये चारों के चारों वेक्टर्स जो हैं वो R^5 स्पेस में पड़े हुए हैं. क्वेश्चन ये है कि ये किस किस्म की वेक्टर स्पेस बना रहे हैं. अगर ये चारों के चारों लोग आपके स्पैन के सेट में पड़े हुए हों तो ये किस किस्म की वेक्टर स्पेस बनाएंगे? उस वेक्टर स्पेस जिसको ये बनाएंगे, ये चार लोग स्पैन करके बनाएंगे, इसका मतलब ये चारों के चारों कहां पड़े हुए हैं? स्पैन के अंदर पड़े हुए हैं. स्पैन के सेट में ये चार लोग पड़े हुए हैं. तो ये चारों के चारों लोग किस किस्म की वेक्टर स्पेस बनाएंगे? जब हम कहते हैं किस किस्म की वेक्टर स्पेस बनाएंगे तो व्हाट वी मीन बाय इट इज कि उस वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या है और उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या है. ठीक है? तो बेस्ड ऑन बेसिस एंड डायमेंशन वी विल डिसाइड कि वो क्या है. तो लुकिंग फ्रॉम दैट प्रस्पेक्टिव हम पहले ये कोशिश कर लेते हैं कि इसकी बेसिस मालूम कर लेते हैं. अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्पैन में और बेसिस में फर्क ये है कि स्पैन में जो लोग होते हैं, जो भी वेक्टर्स हैं, अब हमारे इस केस में हमारे पास क्या है? हमारे स्पैन में 4 वेक्टर्स हैं और हर वेक्टर जो है वो 5 कंपोनेंट का है. तो जरूरी नहीं है कि ये चारों के चारों बेसिस में भी मौजूद हों, क्योंकि बेसिस में जाने के लिए स्पैन के वेक्टर्स को के अंदर एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो है लीनियर इंडिपेंडेंस. अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं तब तो दे कैन मूव टूवर्ड्स बेसिस, बेसिस के सेट में मौजूद होंगे, अदरवाइज वो बेसिस के सेट में नहीं जा सकते. तो बेसिस का सेट बनता स्पैनिंग के लोगों से है, स्पैनिंग वाले सेट से ही बनता है. लेकिन इसमें खूबी ये होती है कि ये सिर्फ उन लोगों को पिक करता है स्पैनिंग के सेट से जिनके अंदर लीनियर इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी मौजूद होती है. सो इन दैट सेंस, हाँ, इसका मतलब ये है कि हमें पहले बेसिस मालूम करना पड़ेगा उस स्पेस का, जो स्पेस ये चारों लोग स्पैन कर रहे हैं, और बेसिस के बाद फिर हम डिक्लेयर करेंगे डायमेंशन. तो हालांकि क्वेश्चन उल्टा है, पहले डायमेंशन मांग लिया फिर बाद में बेसिस मांग लिया, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप डायमेंशन कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपके पास बेसिस का सेट कंप्लीट ना हो जाए. जब बेसिस का सेट कंप्लीट हो जाएगा तो डायमेंशन आसानी से मालूम हो सकती है, क्योंकि डायमेंशन मालूम करने के लिए आपने सिंपल एक काम करना है कि आपने बेसिस में जो लोग पड़े हुए हैं उनको काउंट करना है. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड द बेसिस ऑफ द स्पेस. उस स्पेस की हम
वेक्टर स्पेस की बेसिस मालूम कर लें, जो वेक्टर स्पेस कौन बना रहे हैं, वो ये चार लोग बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? स्पैनिंग से बना रहे हैं। तो ये चारों के चारों स्पैन करते हैं और स्पेस बनाते हैं। स्पैन किसे कहते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसका मतलब ये चारों के चारों आपस में लीनियरली कंबाइन होंगे डिफरेंट मल्टीप्लायर के साथ और एक स्पेस बनाएंगे, और हम देखेंगे कि उस स्पेस के लिए क्या ये चारों लोग इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है। वो इंपॉर्टेंस ऐसे देखेंगे कि हम बेसिस बनाएंगे। तो हो सकता है कि बेसिस में ये चारों के चारों लोग मौजूद हों, और हो सकता है कि बेसिस में इन चारों की जगह तीन लोग मौजूद हों। तो बेसिस हमें बताएगा कि इसकी डायमेंशन क्या है। तो पहले पहले हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, और उस वेक्टर स्पेस को ये चारों के चारों लोग स्पैन कर रहे हैं। स्पैन का मतलब है कि इन चारों लोगों के लीनियर कॉम्बिनेशन से वो पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस बन रही है। ठीक है, सो C1 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर प्लस C2 टाइम्स सेकंड वेक्टर प्लस C3 टाइम्स थर्ड वेक्टर प्लस C4 टाइम्स फोर्थ वेक्टर। ये जब लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो इसे कहते हैं स्पैन। ठीक है, तो स्पैन बेसिकली क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है उन लोगों का जो स्पैन के सेट में पड़े होते हैं, उन वेक्टर्स का, और उनकी मदद से आप बनाते हो। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, तो आई विल अनम्यूट यू नाउ एंड आप प्लीज अपना क्वेश्चन है तो आप पूछ लें प्लीज। तो एवरीबॉडी क्लियर व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ? जी जी सर। ठीक है, आपको ये बात पूरी समझ आ गई जो मैंने बात बताई आपको? अब आपको समझ आ गया कि स्पैनिंग किसे कहते हैं? स्पैनिंग बेसिकली इस वक्त हम कर रहे हैं, हम इस वक्त स्पैनिंग कर रहे हैं, और स्पैनिंग के लिए हम ये चार वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, चार वेक्टर्स, और हर वेक्टर जो है वो खुद पांच कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। इसका मतलब ये ऐसा वेक्टर है जो आर टू द पावर फाइव की स्पेस में पड़ा हुआ है। ओके, चार वेक्टर्स आर टू द पावर फाइव की स्पेस में पड़े हुए हैं, और हम जानना चाहते हैं ये किस किस्म की वेक्टर स्पेस बनाएंगे अपने लीनियर कॉम्बिनेशन से। इन चारों को अगर मैं लीनियरली कंबाइन करूं तो किस किस्म की वेक्टर स्पेस बनेगी? ठीक है, उसको देखने के लिए हमें, हमारे लिए क्या जरूरी होता है कि हम इसका बेसिस मालूम करें। बेसिस हमें बताएगा कि ये चारों के चारों लोग किस किस्म की वेक्टर स्पेस बनाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, और जहां कहीं आपने क्वेश्चन करना है तो आप अनम्यूट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, everybody clear now? Yes sir. Okay, good. So let's move forward, और हम आगे जाते हैं और हम basis find करना चाहते हैं। तो हम basis के लिए क्या करेंगे? So it's very easy to find the basis. अच्छा, अब देखिए इसको गौर से देखिए, मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, ये YouTube का एक video share कर रहा हूँ, इसमें आप गौर से देखें कि ये जो चारों लोग थे, ये चारों के चारों से उसने चार रोज बना लिए। पहली रो बनाई है पहले वेक्टर से, दूसरी रो बनाई है दूसरे से, तीसरी रो बना दी है तीसरे से, और चौथी रो बना दी है चौथे से। उसने एक मैट्रिक्स बनाया है जिसमें उसने सारे के सारे ये वेक्टर एज ए रोज डाल दिए हैं। ये आपको समझ आ रही है ना? ये देख रहे हैं क्लियर? ये वाले सर रोज में चले गए हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया है जिसमें चार रोज हैं और पांच कॉलम हैं, 4 × 5, ये ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। चार रोज बन गई हैं और पांच कॉलम बन गए। ये बनाए कैसे हैं? ये मैंने एक एक वेक्टर उठाया है और उसको रो में डाल दिया है। ये देख रहे हैं? क्योंकि जी सर, क्योंकि मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं देख सकूं कि ये चारों के चारों में से कितने वेक्टर हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। क्योंकि जितने इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले वेक्टर होंगे उनकी मदद से मैं बेसिस बनाऊंगा। तो चूंकि मैं फाइंड करना चाहता हूं कि इन चारों में से कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि मैं इन चारों को एक मैट्रिक्स में डाल दूं और उसके ऊपर मैं गॉस एलिमिनेशन करूंगा। तो उससे मुझे आखिर में जो जवाब आएगा, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, उससे मेरे पास ये बड़ी क्लियर हो जाएगी बात कि इनमें से कौन से हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं।
तो जो जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे मैं उनको उठा के उससे अपनी बेसिस बना लूंगा, और जब मैं उससे अपनी बेसिस बना लूंगा तो फिर मैं उससे इजीली डायमेंशन कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि डायमेंशन क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन माय बेसिस। क्लियर हो गया सबको? गुड। तो अब जी सर, अब हमने इसे मैट्रिक्स बना लिया और अब हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन करेंगे और इसके ऊपर एलिमिनेशन अप्लाई करके हम इससे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। अब चूंकि आपको पता है कि एलिमिनेशन कैसे करते हैं तो मैं क्विकली इसमें से जाऊंगा आगे, मूव करूंगा। अब आप देखें, उसने फर्स्ट रो को वैसे रहने दिया, सेकंड रो में से जीरो क्रिएट कर दिए। ये देख रहे हैं, फर्स्ट रो की मदद से ये जीरो आ गया, फर्स्ट रो की मदद से दूसरा जीरो आ गया, फर्स्ट रो की मदद तीसरा जीरो आ गया। ये देखे ना, ये अब आहिस्ता आहिस्ता आप कहां मूव कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर होता है कि जीरो आती जाती हैं। तो देखें ना, इसने एक ऑपरेशन किया जिसकी वजह से इसने पहली रो की मदद से बाकी रोज के पहले एलिमेंट को जीरो कर दिया सबको। अब ये क्या करेगा, ये दूसरी रो को उठाएगा या उठाएगी और उसकी मदद से थर्ड रो में यहां जीरो क्रिएट करेगी, यहां जहां मैं एरो दिखा रहा हूं, यहां जीरो और यहां जीरो लेके आएगी। ठीक है, तो इट विल ट्राई दिस वन नाउ। आप देखा ना, ये देखे, ये इसने अब क्या कर लिया, इस सेकेंड रो की मदद से थर्ड और फोर्थ रो में यहां यहां जीरो जीरो क्रिएट कर दिए। ये देख रहे हो, यहां जीरो आ गए। अब ये अब इसके अगला स्टेप क्या है कि ये थर्ड रो को उठा के फोर्थ रो में इस टू की जगह जीरो लाने की कोशिश करेगी। समझ आ गए? ये अब ये सेकेंड, ये थर्ड रो की वजह से ये फोर्थ रो के अंदर ये जीरो लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये अबू बकर चला गया था, वापस आ रहा है। जी सर। यार ये जाया मत करो ना, फिर वो बीच में लेक्चर वो हो जाता है सर, दरमियान में डिस्कनेक्ट हो जाता है ना। अच्छा, ये अबू बकर को फिर एडमिट कर लें। जी, तो अब आपके पास जी अब आप देखें ना, अब उसने जब ये तीसरी रो की मदद से चौथी रो को जीरो करने की कोशिश की तो हुआ क्या है कि सारे के सारे लोग जीरो हो गए। फोर्थ रो पूरी की पूरी जीरो हो गई है, देख रहे हैं आप? जी सर। जी, अब अगर आप इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स को देखें तो इसमें एक रो पूरी की पूरी जीरो है। तो जो रो पूरी की पूरी जीरो होती है उस रो को हम कंसिडर नहीं करते। ये रो नॉन जीरो है, ये पूरी की पूरी रो नॉन जीरो है, ये पूरी की पूरी रो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब है ये रो ऐसी है, सारे जीरो है। तो पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इसलिए इंडिपेंडेंट हैं कि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर पिवट पड़ा हुआ है। ये पहला पिवट पड़ा हुआ है, जी सर, पड़ा हुआ है, ये तीसरा पड़ा हुआ है। तो जिन जिन रोज के अंदर पिवट पड़े होते हैं वो रोज क्या होती हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं, वो पावरफुल होती हैं। क्योंकि चौथी रो पूरी की पूरी रो जीरो है तो इसके अंदर कोई पिवट नहीं पड़ा हुआ। क्योंकि पिवट क्या होता है कि वो बंदा होता है जो कि नॉन जीरो एलिमेंट हो और वो टूवर्ड्स द राइट हो, ऊपर वाली रो से राइट की तरफ हो। ठीक है, और उस पिवट से पहले जितने लोग हैं उस रो के अंदर वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो एक पिवट हमारे पास ये आ गया, एक पिवट ये आ गया क्योंकि ये राइट की तरफ है और इससे पहले वाले लोग जीरो हैं। ये पिवट भी ठीक है क्योंकि ये पिवट पहले वाले पिवट से, पहली वाली रो के पिवट से राइट की तरफ है और राइट साइड पे लोग सारे जीरो हैं। तो जीरो इसके बाद जो लोग हैं वो सारे के सारे जीरो हो गए। इसमें कोई पिवट नहीं है, ये चौथी रो के अंदर कोई पिवट मौजूद नहीं है। तो जिन रोज के अंदर पिवट मौजूद है उन रोज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वो रोज इंडिपेंडेंट होती हैं। जी सर। ये पहली तीन रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। हमने स्टार्ट कहां से लिया था, चार रोज से लिया था और आखिर में हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि इन चारों में से सिर्फ तीन ऐसी हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो हम क्या करेंगे, हम उनको डिक्लेयर कर देंगे कि वो, ये देखे ना इनके ऊपर एरो लगाया है, ये पहली रो क्या बना रही है, पहला वेक्टर बनाएगी। दूसरा रो क्या कर रही है, दूसरा वेक्टर बना रही है। तीसरी रो क्या कर रही है,
तीसरा वेक्टर बना रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें बड़ा क्लियर हो गया कि पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो हम बड़े आराम से जा सकते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर, कह सकते हैं कि ये वाला वेक्टर पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, ये वेक्टर इंडिपेंडेंट हैं, और ये जो चौथा वेक्टर है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इन तीन की मदद से बनाया जा सकता है। इसका मतलब है ये चौथा वेक्टर जो है ये इन तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन सकता है। यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो अब हमारे पास चॉइस है, चाहे तो हम इन तीनों को उठा लें, चाहे तो इन तीनों को उठा लें। लेकिन आपको एक चीज यहां पे बड़ी क्लियरली समझ आनी चाहिए कि रो ऑपरेशन करने से अगर आपकी रोज के अंदर जो लोग पड़े हुए हैं, रोज के अंदर जो वेक्टर पड़े हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि अगर ये तीन उठा के हम बेसिस बना लें, या ये वाले तीन उठा के जो ओरिजिनल पड़े हुए हैं इनको उठा के बेसिस बना लें, फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स कि हम आसानी के लिए, क्योंकि ये ज्यादा, इनमें ज्यादातर जीरोज हैं और ये ज्यादा सिंपल वेक्टर्स हैं ये तीन, तो हम इन तीनों को उठा लेंगे और इसकी मदद से बेसिस बना लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए हम इसको बेसिस बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बेसिस क्या बन गई, 1 1 -2 0 1, ये पहली रो उठा ली, 0 1 2 -4 2, ये दूसरी रो उठा ली, 0 0 1 1 0, ये तीसरी रो उठा ली। जो आखिर में जवाब आया था ना, उसी में से हमने तीनों रो उठा ली, ठीक है, और उसकी मदद से हमने बेसिस बना लिया। तो इसका मतलब है कि हमारी बेसिस में अब कितने लोग हैं, तीन लोग हैं, तो डायमेंशन क्या हो गई, 3। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन में मुझे 4 वेक्टर दिए गए थे और मुझसे पूछा गया था ये किस किस्म की वेक्टर स्पेस बना रहे हैं, तो अब मैं डिक्लेयर कर सकता हूं कि वो जो 4 लोग थे वो R to the power 3 वाली कोई सब स्पेस बना रहे हैं, जो कि पड़ी कहां है, R5 के अंदर पड़ी हुई है। जी सर, R5 के अंदर R to the power cube वाली कोई सब स्पेस बनी हुई है, और उस R to the power cube को बनाने वाले लोग कौन से हैं, ये जो बेसिस के अंदर पड़े हुए हैं, ये तीन लोग उसको बना रहे हैं, ठीक है, ये तीन लोग उसको बना रहे हैं और उसकी मदद से स्पेस पड़ी हुई है। तो अब जरा जाके देखते हैं कि एक अल्टरनेट मेथड उठाते हैं कि अगर गलती से आपने ये वाले जो वेक्टर्स हैं ये अगर कॉलम में डाले होते तो फिर क्या होता, क्योंकि आपने तो स्टार्ट ऐसे लिया था ना कि आपने इनको रोज में डाल के गॉसियन एलिमिनेशन करके बेसिस और डायमेंशन मालूम कर ली। अब अल्टरनेट करते हैं कि लेट से आपने गलती कर ली और आपने इन वेक्टर्स को रोज में डालने के बजाय आपने कॉलम में डाल लिया। अगर आप इनको कॉलम में डालेंगे और उसके ऊपर गॉस एलिमिनेशन करेंगे तो क्या उससे फर्क पड़ेगा, ये देखने के लिए जरा आगे देखिए। अब हमने क्या किया यहां पे, देखे ना, वही के वही 5 कंपोनेंट वाले 4 वेक्टर उठाए, लेकिन इस बार बजाय रोज में देने के हमने उनको कॉलम्स में जमा कर लिया। ये देखे ना, पहला कॉलम पहला वेक्टर है, दूसरा कॉलम दूसरा वेक्टर है, तीसरा कॉलम तीसरा वेक्टर है, चौथा कॉलम चौथा वेक्टर है। ये चारों के चारों कॉलम्स एक्चुअली वो वेक्टर्स हैं जो क्वेश्चन में दिए गए थे, और हमसे पूछा गया था कि एक वेक्टर स्पेस है जिसको ये चारों लोग स्पैन करते हैं। इसका मतलब है वो वेक्टर स्पेस इन चारों से मिलकर बनी हुई है, जरा उसका बताइए कि उसकी बेसिस क्या है, और ये भी बताइए कि उसकी डायमेंशन क्या है। तो अब हमने क्या किया कि लास्ट टाइम हमने इनको रोज में डाल के क्वेश्चन हल कर लिया था, अब हम इनको कॉलम्स में डाल के क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि क्या इससे कोई चेंज आया है या नहीं आया, ठीक है। तो अगर हम इन चारों को डालें, 4 कॉलम्स को, ठीक है, ये चारों वेक्टर्स हमने कॉलम वाइज डाल दिए और उसके ऊपर हमने गॉसियन एलिमिनेशन का प्रोसेस कर दिया। मैं आपको फाइनल आंसर दे रहा हूं, ये देखे ना, फाइनल आंसर इसमें 1 1 1 1 0 2 हुआ है, 0 1 1 1 हुआ है, 0 0 1 2 है, उसके बाद चौथी और पांचवी रो जो है वो सारी की सारी जीरो हो गई है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो रहा है? जी सर। लास्ट टाइम हमने इनको रोज में डाला था, जब रोज में डाला था तो मैट्रिक्स क्या बना था, 4 रोज 4 × 5, 4 रोज थी और 5 कॉलम थे। अब हमने इनको कॉलम में डाला है तो इसका मतलब है कि 5 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं,
ठीक है, उसी को हमने क्वेश्चन को अब दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, हमने उसी क्वेश्चन में क्या किया, कॉलम वाइज डाल दिया, तो क्या बन गए हमारे पास, पांच रोज बन गए और चार कॉलम बन गए। इसके ऊपर जब गॉस एलिमिनेशन अप्लाई किया तो हमें पता चला कि सिर्फ पहली तीन रोज के अंदर पिवट पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, बाकी चौथी और पांचवी रो क्या है, जीरो है, ऑल द रो इज जीरो, सॉरी रो इज जीरो है। इसका मतलब है कि सिर्फ पहली दूसरी और तीसरी, सो इट मतलब है कि पहला दूसरा और तीसरा कॉलम इसमें इंडिपेंडेंट है और चौथा कॉलम डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट जी सर, ठीक है। तो जवाब वही आ गया जो रोज वाला था, रोज ने भी ये कहा था कि तीन लोग इंडिपेंडेंट हैं और इसने भी कह दिया कि तीन लोग इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि इससे मैटर नहीं करता। लेकिन अब यहां पे आपको केयरफुल होना है, अब आप यहां पे डायरेक्टली ये वाले कॉलम, इस कॉलम के अंदर अब आप इसमें कॉलम देखेंगे, इस कॉलम के अंदर पिवट पड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये कॉलम क्या है, इंडिपेंडेंट है। इस कॉलम के अंदर पिवट पड़ा हुआ है, ये कॉलम भी इंडिपेंडेंट है। इस कॉलम के अंदर पिवट पड़ा हुआ है, ये भी इंडिपेंडेंट है। चौथा इसके अंदर पिवट नहीं है क्योंकि इसका पिवट यहां आना चाहिए था, यहां नहीं आया, यहां पे मैंने एरर रखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये कॉलम क्या है, डिपेंडेंट है। ये तीन कॉलम्स इंडिपेंडेंट हैं, ये तीन कॉलम, क्योंकि इन तीनों कॉलम के अंदर पिवट मौजूद है। तो इन तीन कॉलम्स को अगर मैं करस्पॉन्ड करूं तो ये आता है कॉलम, ये कॉलम आता है और ये कॉलम है। इसका मतलब पहले तीन कॉलम क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन याद रखना कि अगर आपने कॉलम वाइज कोई प्रोसेसिंग, आपने कॉलम वाइज वेक्टर रखे और उसको रो वाइज ऑपरेशन किए, तो अब आप इसके जवाब वाले कॉलम नहीं उठा सकते, आपको इन जवाबों के अगेंस्ट ओरिजिनल पे जाना पड़ेगा और ओरिजिनल के लोग उठा के बेसिस बनाने पड़ेंगे। रो में ये आसानी थी, जब आपने उनको रोज में डाला था तो ये आसानी थी कि जवाब में से जो रोज इंडिपेंडेंट निकली थी उन रोज से भी बेसिस बन सकती थी और उनके अगेंस्ट ओरिजिनल से भी बन सकती है। लेकिन इसमें ये रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपने कॉलम में डाल दिए तो कॉलम में ये है कि आपके पास मजबूरी ये है कि आपने फाइनल जवाब में से जो कॉलम है उनको नहीं उठा सकते, उनसे बेसिस नहीं बना सकते, आपको दोबारा जाना पड़ेगा और ओरिजिनल मैट्रिक्स के पहले तीन उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये पहले तीन है तो यहाँ भी पहले तीन उठाने पड़ेंगे और इन तीन की मदद से आपका बेसिस बनेगा। तो अब देखें ना, ये तीन पिवट आ गए और ये पिवट किन किन कॉलम्स में आए हैं ये देखना है। उसमें हम देख रहे थे पिवट किन किन रोज में आया था, इसमें हम देखेंगे कि ये पिवट किन किन कॉलम्स में आया हुआ है, ठीक है ना, ये फर्क है। तो ये पहले तीन आ गए और इन पहले तीन की मदद से आप ओरिजिनल में जाएंगे और ये ही जिन पे एरो लगा हुआ है, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इनकी मदद से आप बेसिस बनाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इस की बेसिस में भी कितने लोग हैं, तीन हैं, और जो हमने रो से बनाई थी उसकी बेसिस में भी तीन लोग हैं। अगर से बेसिस मुख्तलिफ हैं, बेसिस में लोग मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन उनकी तादाद हमेशा सेम रहेगी। इसका मतलब है कि अगर आप मुझे कोई वेक्टर स्पेस दे देते हैं और मुझे कहते हैं कि ये वेक्टर स्पेस दो लोगों से मिली हुई है, तो ये दो लोग यूनिक नहीं है, आपके अपने दो होंगे, मेरे अपने दो होंगे, लेकिन होंगे कितने, दो, तादाद सेम होगी। इस तरह यहां पे ये वाले वेक्टर्स जो मेरे बेसिस में पड़े हुए हैं ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और जो रोज से मैंने आंसर निकाला था उसमें भी मैंने तीन लोग निकाले थे और वो तीन भी लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। लेकिन वो तीन और इन तीन में फर्क है, उसके बावजूद ये दोनों क्या है, बेसिस हैं, क्योंकि सिर्फ बेसिस की सिर्फ ये है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, लेकिन डायमेंशन सेम रहेगी। तो ये भी आर टू द पावर क्यूब की एक स्पेस बना रहे हैं और हमने जो रो रो में डाल के सॉल्व किया था उससे भी आर टू द पावर क्यूब वाली स्पेस बन रही थी। So in other words, this will make the same R cube की vector space बनाएंगे in R to the power 5 में और इसकी dimension 3 होगी, ठीक है। लेकिन basis मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि basis में आप जो लोग भी डालेंगे
वो लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट हों। इसका मतलब है कि वो कहां से आएंगे, वो गॉशियन एलिमिनेशन के तरीके से आने चाहिए उनको, ठीक है। तो जी सर, एनी क्वेश्चन यू हैव? जी जी फरमाए सर। ये जो आपने इस स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये मैं इसमें हमारे पास चार कंपोनेंट है या फाइव? नहीं, क्योंकि तो हमने रो में किया था, इधर हमने कॉलम में किया है। हाँ, अब जब आपने कॉलम में किया है तो अब आप कॉलम्स को देखेंगे, ऑपरेशन आप रोज पे करेंगे, आप अप्लाई करेंगे गॉशियन एलिमिनेशन। आप गॉशियन एलिमिनेशन करते हुए ये बिल्कुल ख्याल नहीं रखेंगे कि आप रोज की बात कर रहे हैं या कॉलम्स की बात कर रहे हैं, आप गॉशियन एलिमिनेशन करेंगे। लेकिन आपको पता है कि आपने तो कॉलम में रखे थे लोग, तो जब गॉशियन एलिमिनेशन हो जाएगी तो जवाब को इंटरप्रेट करने के लिए आप फिर कॉलम्स का सहारा लेंगे। आप देखेंगे कि किस किस कॉलम में पिवट पड़ा हुआ है, उस केस में आप देखते थे किस किस रो में पड़ा हुआ है पिवट। अब आपको बात समझ आ गई सर? जी जी सर, ये पहले r टू द पावर 4 नहीं होना चाहिए, बाद में मतलब r टू द पावर 3 हो जाता है ना, जब बेसिस बेसिस हमने किए तो r टू द पावर 3 हो गया था, पर उससे पहले r टू द पावर 4 नहीं था? नहीं, वो r टू द पावर 4 इसलिए नहीं था कि वो सिर्फ स्पैन कर रहा था। इसका मतलब है कि वो था r टू द पावर क्यूब, लेकिन उसमें चार वेक्टर पड़े हुए थे। आप जी, को, जी सर, आप को पावर 5 कह रहे थे ना? हाँ, मैं वही कह, नहीं, शुरू में तो r5 है ना, क्योंकि कंपोनेंट तो r5 है, फाइव कंपोनेंट्स है ना, ये वेक्टर सारे पड़े तो r5 के अंदर हैं, लेकिन ये खुद जो वेक्टर मुझे क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये r टू द पावर क्यूब बना रहा है, एक स्पेस बना रहे हैं। ये है पांच कंपोनेंट वाले वेक्टर, लेकिन ये जिस स्पेस को बना रहे हैं, मिलके जिस स्पेस को बना रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन से, वो r टू द पावर क्यूब है। वो कोई सब स्पेस है जो ओरिजिनल स्पेस के अंदर पड़ी हुई है, सब स्पेस है, जैसे एक सबसेट होता है ना, ये सब स्पेस है उसके अंदर पड़ी हुई है। Yes, sir. अगर ये पांच लोग होते, अगर ये पांच लोग होते तो फिर ये r टू द पावर 5 बनाते। अगर मेरी बेसिस के अंदर पांच वेक्टर होते तो फिर वो r टू द 5 बना सकते थे। यहां पे तो मेरी बेसिस के अंदर सिर्फ तीन लोग आ रहे हैं, तो ये मैक्सिमम r टू द पावर क्यूब बना रहे हैं, लेकिन ये जो लोग बना रहे हैं ये खुद क्या है, ये r5 का हिस्सा है। ये इनके कंपोनेंट्स पांच हैं, ये रहते R5 में है, लेकिन आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन या स्पैन के थ्रू ये सिर्फ R टू द पावर क्यूब वाली कोई सब स्पेस बना रहे हैं, जो कि एक छोटा हिस्सा है इतनी बड़ी स्पेस का। वो R5 के अंदर पड़ी हुई कोई स्पेस है, कोई क्यूब है। You got it? जी जी, अनम्यूट करके yes, आप क्वेश्चन। जी, अब आपको समझ आ रही है ये बात? yes. गुड जी सर। जी जी, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो वी विल फिनिश दिस ऑफ। मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं और फिर हम इसको